बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम उर्दू की तीसरी किताब के सफ़र नंबर 56 पर मौजूद सबक हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना की मश करेंगे। इसके ऊपर इसकी सरगर्मियां हैं, जिसमें पहले खाली जगह है जो आप सबक से देखकर खुद पुर करेंगे, और उसमें उसके बाद उसमें वाहिद जमाएँ जो आपको PDF में दे दिए गए हैं, उनको भी एक दफ़ा देख लेते हैं। पहला वाहिद है आदत, जिसकी जमा है आदात, कारनामा कारनामे, अदालत अदालतें, मुनसिफ मुनसिफीन, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटियां, अफसर अफसरान, कौम अकवाम, मौजज़ा मौजज़ात, हुक्मरान हुक्मरानों, घर घरों। इसके बाद मश्क में सबसे पहला जो सवाल है वो है अल्फाज के मानी और जुमले बनाने हैं आपने। मानी लिखने के बाद उसका जुमला बनाना है। तो पहला लफ्ज़ है सौदागर। सौदागर का मानी है ताजिर, तिजारत करने वाला, और इसका जुमला होगा सौदागर सामान तिजारत लाया। दूसरा है नाजुक। नाजुक का मानी है नापायदार। इसका जुमला है कांच बहुत नाजुक होता है। उसके बाद है लबादे। लबादे का मतलब है लिबास, तो वकील स्या लिबादा पहनते हैं। उसके आगे है इंतखाब। इंतखाब का मानी है चुनाव, किसी चीज़ को मुंतखब करना चुन लेना। उसका जुमला है अली ने वकालत के पेशे का इंतखाब किया। उसके आगे है मुनसिफ। मुनसिफ का मानी है इंसाफ करने वाला, तो इसका जुमला है मुनसिफ का काम इंसाफ करना है। अगला लफ्ज़ है नामानूस। नामानूस का मानी है अजनबी, तो अजनबी का जुमला हम बनाएंगे। नामानूस का जुमला बच्चा नए माहौल से नामानूस था। अगला लफ्ज़ है खुशामद। खुशामद का मानी है बिला वजह की तारीफ। इसका जुमला है खुशामद बुरी बला है, या खुशामद से बचना चाहिए, दोनों में से कोई जुमला आप बना सकते हैं। इसके आगे है खुलूस। खुलूस का मानी है इखलास। इसका जुमला है हमें हर काम खुलूस नीयत से करना चाहिए। इसके आगे सवालों के जवाब हैं। पहला सवाल है कायद अज़म ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया, तो इसका जवाब है कायद अज़म ने मुसलमानों को आज़ाद वतन दिलाया। दूसरा सवाल है कायद अज़म को वकील बनने का शौक़ क्यों हुआ, इसका जवाब है इन्हें वकीलों का लिबास अच्छा लगता था। तीसरा है आपने इंग्लिस्तान जाकर कैसा महसूस किया, तो इसका जवाब है इंग्लिस्तान के माहौल इंग्लिस्तान के नामानूस माहौल से शुरू में परेशान हुए, लेकिन आदी होने के बाद खुश रहने लगे। चौथा सवाल है आपने लिंकन इन का इंतखाब क्यों किया, तो इसका जवाब है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के दरवाज़े पर दुनिया के 10 बड़े मुनसिफीन के नाम दर्ज हैं, और सबसे पहला नाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। आखिरी सवाल है आपकी किस आदत को अंग्रेज़ कदर की निगाह से देखते थे, तो इसका जवाब है आपने कभी किसी अंग्रेज़ की खुशामद नहीं की, आपकी इस आदत को अंग्रेज़ कदर की निगाह से देखते थे।